रणवीर सिंह की मूवी गली बॉय के रैपर तोड़फोड़ की हुई डेथ। इंडियन म्यूजिक साइट से एक बेहद ही शॉकिंग न्यूज सामने आ रही है और वो ये कि 24 साल के मुंबई के एक रैपर जिनका स्टेज नाम है तोड़फोड़ और उनका असल नाम है धर्मेश परमार, उनकी अब डेथ हो चुकी है। धर्मेश परमार की डेथ का कारण अभी तक रिवील नहीं किया गया है, पर कहा यह जा रहा है कि धर्मेश परमार 24 साल के थे जब उनकी डेथ हुई। धर्मेश परमार काफी सालों से रैपिंग इंडस्ट्री का हिस्सा है और वो वन ऑफ द टॉप मोस्ट गुजराती रैपर्स में से एक थे और उन्होंने मुंबई की एक म्यूजिक लेबल कंपनी भी साइन की हुई थी और साल 2019 में रिलीज हुई मूवी गली बॉय का भी वो हिस्सा रह चुके थे जिसमें उन्होंने इंडिया 91 गाने में अपनी आवाज दी थी। वहीं तोड़फोड़ की डेथ के बाद बॉलीवुड एक्टर्स रणवीर सिंह और सिद्धांत चतुर्वेदी ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर पोस्ट शेयर करते हुए धर्मेश परमार को याद किया और उन्हें कंडोलेंसेस दी। रणवीर सिंह की मूवी गली बॉय में काफी सारे इंडियन रैपर्स का इस्तेमाल किया गया था जिसमें से एक थे धर्मेश परमार भी, और अब उनकी सडन डिसमाइस के बाद पूरी रैपिंग इंडस्ट्री में काफी ज्यादा दुख का माहौल है।